जय श्री राम। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से पड़ने जा रहा है और दिन है मंगलवार। बहुत ही शुभ योग बनने जा रहा है। इससे पहले ही आप इन चीज़ों को अपने घर से हटा दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को 4 जुलाई के बाद देखते हैं तो भी आप इन चीज़ों को तो अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिए, ताकि आपकी पूजा, छोटी सी पूजा भी सफल हो सके। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक लोटा जल भी सावन के माह में समर्पित करते हैं तो वो पूजा पाठ भी आपकी पूर्ण रूप से सफल होगी, अगर आप अपने घर से इन चीज़ों को हटा देते हैं। ये महीना भगवान शिव को ही समर्पित होता है। इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं, ये बात मैंने आपको कई वीडियो में बताई है। इस महीने में आप चाहे तो 9 मंगला गौरी के व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है, यानी कि 19 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है कि 59 दिनों का सावन का महीना होगा। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पहली कृपा आप पर पड़ने वाली है और आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी। 4 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन का त्योहार इतने दिनों का पड़ने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे कितनी ज्यादा शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सावन का पवित्र महीना 3 गलतियों की वजह से बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। 3 चीजें सोमवार व्रत में आपको नहीं चढ़ानी है। और 3 महिलाएं जो सावन का व्रत नहीं करना चाहिए जिन्हें, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, एक और तो भारतीय संस्कृति में सावन का बहुत ही महत्व है और वहीं भगवान शिव को सावन के महीने का देवता भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा प्रिय होता है सावन का महीना शिव जी को। श्रावण मास में शिव जी की पूजा अर्चना, व्रत, उपवास, पुराण श्रवण अत्यंत ही पुण्यकारी होते हैं। आस्था से की गई शिव जी की पूजा कभी निष्फल नहीं जाती है। शिव जी का एक नाम त्रिलोचन है। शिव जी महामृत्युंजय है। उनकी पूजा मृत्यु और काल को भी पराजित कर देती है। यजुर्वेद में परमात्मा को शिव, शंभु और शंकर का नाम और नमन दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही खास जानकारी बता रही हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं और शास्त्रों में 8 यानी कि जो 8 अंक है वो शनि का होता है, जिसके कारण 8 के क्रम में संख्या में होने की वजह से शनि ग्रह का उपाय आप इस बार कर सकते हैं। इसलिए इस बार सावन के 8ों सोमवार शिव उपासना के साथ शनि आराधना ही नहीं, बल्कि जन्म कुंडली में बैठे शनि ग्रह को भी अनुकूल कर देगी। आप अन्य जो सुषुप्त आपके ग्रह हैं उन्हें भी जागृत करवा सकते हैं सावन के इस पावन माह में, क्योंकि भगवान शिव शनि के गुरु हैं। इसलिए शिव उपासना से शनि कृपा मिलना स्वाभाविक है। सावन महीने में प्रतिदिन शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं और आप उन्हें साथ ही में ये 3 चीजें जरूर समर्पित कीजिए। 3 चीजें क्या हैं? भांग, धतूरा और बेलपत्र। इन 3 चीजों को शिवलिंग पर जरूर ही समर्पित कीजिए, लेकिन भूल कर भी तुलसी पत्र भगवान शिव पर ना चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में आप भगवान शिव शंकर को भोग लगाएं और भगवान की आरती करें। शिव जी की आरती करने के बाद उन 3 गलतियों के बारे में आप जान लीजिए जो कि आपको श्रावण मास में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सावन के माह में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जागना है। भूल कर भी इन सब्जियों को आपको सावन के महीने से पहले ही अपने घर से हटा देना है, यानी कि आपको नहीं खाना है। इससे आप पाप के भागीदारी बनेंगे, क्योंकि सावन माह में सब्जियां दूषित हो जाती है। तो जिन सब्जियों में कीड़े पड़ जाते हैं वो कौन कौन सी है? जैसे कि गोभी, बैंगन, जिनमें भी कीड़े लगने की संभावनाएं होती है, आप सभी उन्हें सावन से पहले ही अपने घर से हटा दीजिए। लहसुन प्याज का प्रयोग आपको बिल्कुल भी सावन के महीने में नहीं करना है, खरीदना भी नहीं है, और अगर पहले से रखा हुआ है तो आप उन्हें भी अपने घर से हटा दीजिए।
सावन के महीने में आपको रोना धोना भी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल खुश रहना है, इस पवित्र महीने का लाभ उठाना है। पति पत्नी अगर साथ में रहते हैं तो इस समय आप दोनों को ही संयम बनाकर रखना चाहिए, दूरी बनाकर रखें, इससे शिव जी नाराज भी हो सकते हैं। कपड़े इत्यादि आपके साफ स्वच्छ होने चाहिए। इस महीने गरीबों को दान अवश्य करें, गरीबों की सेवा करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर भगवान जल्दी ही कृपा करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। यानी कि जितना ही आप अपने हाथों को खोलकर दान करेंगे, उतना ही हाथ खोलकर ईश्वर भी आप पर कृपा करेंगे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव को कुछ चीजें बिल्कुल अर्पित आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका व्रत इससे टूट सकता है। भगवान शिव का शिवलिंग जहां रखा हो वहां पर आपको जूते चप्पल पहनकर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इससे आपको जो मिलने वाला फल है वो नष्ट हो जाता है। मंदिर में नंगे पैर ही आपको जाना है। महिलाओं को मासिक धर्म में भूल कर भी पूजा नहीं करनी है, ना घर में करें और ना ही मंदिर में करें। आप प्रवेश भी ना करें, भूल कर भी तुलसी पत्र को आप शिवलिंग पर अर्पित मत कीजिएगा। दोस्तों, अनदेखी चीज नहीं है ये, इसकी देखभाल अवश्य करें। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग को स्थापित किया है तो पूरे मन से उनकी पूजा कीजिए, इन चीजों को नियमों को पालन कीजिए। शिवलिंग से हर समय ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर जल की धार हमेशा बनाकर रखिएगा। शिव जी को जब भी जल चढ़ाएं तो जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए, भूल कर भी इस गलती को ना करें। अगर आपने अपने घर में शिव जी को जो है अगर स्थापित किया है तो भूल कर भी बाहर के व्यक्ति की उस पर नजर ना पड़े, इस प्रकार से आप उन्हें अपने घर में जो है स्थान दीजिए। सोमवार के व्रत में भूल कर भी आपको ये फल नहीं खाना चाहिए, तो कौन सा है वो फल ध्यान से सुन लीजिएगा, अनासपाती। इसका तो नाम ही अनास है, अनास यानी कि वास करने वाला, तो आप चीज को इनको बिल्कुल भी प्रयोग में मत लाइए। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो इसे बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है, भगवान को चढ़ाना भी नहीं है। साथ ही कुट्टू का जो आटा होता है उसे भी आप सावन के महीने में प्रयोग में ना लें, क्योंकि ये आटा लंबे समय से रखा रहता है, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी पल जाते हैं जो व्रत को खंडित कर देते हैं। साथ ही आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर एक लोटा जल तो अवश्य ही समर्पित कीजिए और शिवलिंग के पास साफ सफाई हमेशा बनाकर रखिए। इससे आपका भाग्य उदय में जो भी देरी हो रही है वो देरी बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपको सावन माह की पूजा कैसे करनी है उसके लिए मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। चैनल पर बने रहिए, रेगुलर चैनल की हर एक वीडियो देखिए, रोज आपको नई जानकारी मिलने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपको कोई भी चीज वीडियो में समझ में नहीं आती है तो मैं बार बार कहती हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं वहां आप सभी के प्रश्नों के रिप्लाई जरूर देती आई हूं और आगे भी देती रहूंगी। आपकी ये दोस्त हमेशा आपके सपोर्ट में है, आपके साथ है, आपके सुख में और आपके दुख में। मिलती हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, ओम नमः शिवाय।